पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है। गलती इंडिया की भी है, हमारी भी है, हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था। उनकी जो एक चॉकलेट भी बनती है ना, वो भी उन्होंने एक्सपोर्ट पे रखी हुई है, वो जा रही है। अमेरिकन्स के लिए प्रॉब्लम है चाइना रशिया। हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं चाइना के लिए, ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता। आपका मुल्क का जो कंडीशन बिल्कुल डाउन हो गया ना, आपको कोई मुल्क भी सपोर्ट नहीं करता। सऊदीया हमें निकाल रहा है, दुबई तो मैं हो क्या निकाल रहे हैं आपकी सोच से भी ज़्यादा। अफगानिस्तान हमें लेना नहीं चाह रहा, बांग्लादेश वगैरह कोई मुल्क नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत डाउन है। अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेशर है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन के अंदर खड़े होकर भारत को लेकर अमेरिका को निशाना साधते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत जो है ना अपने आप में एक ग्रेट पावर है और अमेरिका का कोई हक नहीं बनता है कि वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी करे या इंडिया के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव बनाए। अब इसी को लेकर पाकिस्तान का मीडिया चर्चा कर रहा है, तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रशियन फॉरेन मिनिस्टर लवरोव ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले से। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेशर है। जाहिर बात है, ये स्टेटमेंट जो फॉरेन मिनिस्टर लवरोव ने जारी की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और मुझे याद है कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को भी बार बार ये कह रही है और कहती रही है और कह रही है कि आप भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखें, रशिया के साथ ताल्लुकात रखते हुए एक चीज को जहन में रखें कि किसी और मुल्क के अंडर प्रेशर ना आए जिस तरह के भारत है। ये पाकिस्तान को रशियंस कहते हैं, पाकिस्तान क्योंकि अंडर प्रेशर आ जाता है। अब वो कहता है कि अब रशियंस ये कहते हैं कि भाई, रशियंस ये कहते हैं कि जो अमेरिका है जब वो एशियन पावर से बात करता है तो वो चाइना से अलहदा बात करता है, इंडिया से अलहदा बात करता है। मीन्स के चाइना से वो जरा अच्छे अंदाज से बात करता है, इंडिया से जरा अच्छे अंदाज से बात करता है, बाकी ममालिक को वो इक्वल नहीं समझता। सो इसीलिए वो कह रहा है कि इंडिया जो है वो ग्रेट पावर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रिसेंटली, उसमें कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि रशियंस ने देखी है, उसमें एक ऑब्जर्वेशन तो डेफिनेटली ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई है। अगर आपको याद हो कि थोड़ा अरसा पहले अमेरिकन्स ने ये कहा, बल्कि जैक सुलिवन ने ये कहा कि अगर तो इंडिया मॉस्को गया है टू हैव इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट चाइना, तो लेट मी टेल द इंडियन अथॉरिटीज इट विल नॉट वर्क। सीधा सीधा वो कह रहे थे कि व्हेन इन केस देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, द रशियंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज द रशियंस आर ऑलरेडी जूनियर पार्टनर विद द चाइनीज। दिस इज व्हाट ही सेड। सो इस चीज को ये जेहन में रखें। अब पिछले साल जो इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट हैज क्रॉस $65 बिलियन, मेनली एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, तकरीबन 55 या इससे भी ज्यादा, $60 बिलियन के करीब। अब ये जो एग्रीमेंट, ये जो हुआ है, जो विजिट हुआ था, इसमें आप दरअसल उसको स्टडी करने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड सो मैनी थिंग्स। वन, तकरीबन 15 के करीब एग्रीमेंट्स हुए थे इंडिया और रशिया के दरमियान, MOUs, ट्रेड प्रमोशन, बिजनेस रशिया और इंडिया के दरमियान, बिजनेस को कैसे प्रमोट करना, सो एंड सो, एंड देन टू हाउ टू टेक अ ट्रेड टू $100 बिलियन इन 2030। इट मीन्स इंडिया डिजायर्स टू बाय द रशियन ऑयल एट दिस रेट और चीपर। देखिए, याद रखिए एक चीज को, इंडिया की 1.4 बिलियन आबादी है, 1400 मिलियन लोग हैं, 1400 मिलियन।
अमेरिका की वो 300 मिलियन है, पाकिस्तान 320-30 मिलियन आई थिंक, पाकिस्तान की तकरीबन 240-250 मिलियन है, इंडिया की 1400 मिलियन की आबादी है। आप क्या समझते हैं 1400 मिलियन की आबादी को तेल नहीं चाहिए, डीजल नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए, कहाँ से पूरी करनी है? क्या आपको लगता है कि इज इंडिया लाइक फ्रांस, इज इंडिया लाइक जर्मनी, इज इंडिया लाइक बेल्जियम, छोटा मुल्क है? इंडिया की आबादी कोई 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, 15 मिलियन है, 50 मिलियन है, 1400 मिलियन है भाई। कहाँ 1400 मिलियन आबादी का इंटरेस्ट, और कहाँ पे 50 मिलियन, 30 मिलियन, 10 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन आबादी के मुल्कों का इंटरेस्ट? ये चीजें समझने वाली हैं। हमारे हमसाये मुवालिक के साथ हमें रिलेशंस अच्छे बिल्ड करने चाहिए। हमारा अफगानिस्तान आप कहते हो दुश्मन है यार, उसने जो हमारे लिए किया ना, यू कांट इमेजिन। मैं बलोच हूँ तो मुझे ये पश्तून बलोचों का पता है, ठीक है ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बट हमारी कुछ थी, सबको पता है, हमने अपने एरियाज दे दिए, सो दैट्स अब थोड़े खफा हैं वो। इंडिया को देख लो यार, इंडिया थोड़ा मैं मानता हूँ कि वो हमारा शुरू से ही दुश्मन था, ठीक है ना, बट अब देख लो यार, उनसे हाथ मिलाना चाहिए। यहाँ से कोई हाथ मिलाता यार, मैं एक बात बताऊँ, हमारे अपने ही नहीं मिलना चाह रहे। मैं बताऊँ, हम तो मिलना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम उनके तरले मिनते कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं आती। यार मैं एक बात बताऊँ, वो हमसे नाराज क्यों है? वो ये नहीं करता, हमारी कुछ गलतियां हैं जो कि मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे घर जाना, सुबह जॉब पे जाना है। सो तो ठीक है, तो इसी वजह से ना आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो खराब हुए, पाकिस्तान की गलती? मैं कहता हूँ हमारी, देखो यार मेरी बात सुनो, गलती इंडिया की भी है, हमारी भी है। हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। झुकना मतलब ये नहीं है कोई यार मैं नीचे गिर गया हूँ, हमारी जज्बात, हमारी रिस्पेक्ट को असर पड़ेगा, झुक नहीं यार, प्लीज़ हमने शेक हैंड के लिए हाथ पहले बढ़ा देना, लेकिन हमने ये नहीं किया। वो थोड़ा सा कुछ होता है, कश्मीर में धमाका हो जाता है, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे, जैसे धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा जो जिस न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि रशिया की तरफ से यूएन में खड़े होकर एक बयान दिया गया और पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा की जा रही है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो रशिया दौरा किया था, अब उसको लेकर अमेरिका जो है ना काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। तो रशिया ने अमेरिका को जो है ना एक तरीके से उसको ये बताते हुए कहा है कि भारत जो है ना वो अपने आप में एक ग्रेट पावर है, और अमेरिका का कोई हक नहीं बनता है कि वो भारत के किसी भी मामले में जो है ना दखल अंदाजी करे या भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बनाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि पाकिस्तान का मीडिया इसी बात को लेकर डिस्कस कर रहा है कि भारत की अपनी ज़रूरतें हैं, भारत को सस्ता कच्चा ऑयल चाहिए ताकि भारत की जो विदेशी मुद्राएं वो ज़्यादा मात्रा में भारत से बाहर ना जाए। तो भारत जो है ना वही डिसीजन लेता है जो अपने पब्लिक के हित में होते हैं, लेकिन ये बातें अमेरिका को पसंद नहीं आती है, क्योंकि अमेरिका यही समझता है कि चाहे कोई सा भी देश हो वो अमेरिका के कहने के हिसाब से चलना चाहिए। जिस प्रकार से यूरोप वगैरह हैं और भी कई सारे देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, वो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान अक्सर अमेरिका के दबाव में आ जाता है। तो ऐसे जो मुल्क हैं वो जिस प्रकार से अमेरिका कहता है उसी प्रकार से काम करते हैं, लेकिन उसको अमेरिका को इस बात का मलाल रहता है कि भारत जो है ना अमेरिका के हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि भारत अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपने पब्लिक को ध्यान में रखकर बनाता है, उसी प्रकार से फैसले लेता है। तो रशिया ने इसी बात का एहसास जो है ना अमेरिका को करवाया है। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।